हमारे साथ यूथ भी जुड़ गया है, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है पूरा, कि मायावती क्या दोबारा इस 2019 इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। जिस तरीके से आज रैली हुई है, आपसे जानना चाहेंगे क्या मायावती पीएम बन सकती है? मेरे हिसाब से 50-50 जी। जिस 5 सीटों पे लड़ रही है बीएसपी, कितनी सीटें जीत पाएगी आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मेरे ख्याल से जो यहाँ पे गठबंधन का हिसाब देखा जा रहा है, सपा बसपा और रालोद सब साथी में है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5 की 5 सीटें हम यहाँ से जीत जाएंगे। जैसे कि यूपी में भी आपने देखा, यूपी से जो एक लहर बनी गठबंधन की, वो पूरे देश प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। और मैं तो लखनऊ से आया हूँ यहाँ पे यही नज़ारा देखने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथी मेरठ से हैं, धर्मन डोंगरा साहब, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं और यहाँ के क्या हालात हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह मुझे बस बीएसपी का ही नजर आ रहा है। वोट देने जाएंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 12 तारीख को वोट डालेंगे आप? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि नोटबंदी हो गया और जीएसटी वगैरह हो गया, और बहुत सारे मुद्दे हैं। मायावती को किन मुद्दों को लेके आप सपोर्ट कर रहे हैं? मायावती को तो सपोर्ट करने नहीं आया, मैं केजरीवाल का हूँ। जाहिर सी बात है, दिल्ली के अंदर है सिर्फ केजरीवाल, जो 50% बताया है वो केजरीवाल है। 50% के बाद जो अदर पार्टियां हैं उनको कह सकते हैं, बट 50% केजरीवाल है। आप इनसे वाकिफ रखते हैं, आज बीएसपी की रैली में आके केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, चूंकि कुछ हद तक उन्होंने हो सकता है सही काम किए हो, जो कि यहाँ के लोगों को सही लगा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन मामला 50-50 पे आके टिक रहा है, मामला 50-50 पे आके टिक रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि इस बार केजरीवाल हो सकता है इस बार बहन जी भी हो सकती है। आपसे आना चाहेंगे एक बार, जिस तरीके से बोलते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मोदी जी से हेट करती है, ऐसा कुछ आपके भी जहन में है? जी बिल्कुल, हेट करती है मोदी जी से, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने हमारी कौम के लिए बहुत बुरा बुरा करा है। यहाँ तक कि यूपी में भी हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं वो भी बहुत बुरा कह रहे हैं, उनके लिए हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात, आपका वोट किस तरफ जाएगा, बीएसपी की तरफ जाएगा? हमारा वोट केजरीवाल तरफ को जाएगा। जी, दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है, इसलिए हम दिल्ली में केजरीवाल को नहीं भूल सकते। शिक्षा को लेकर हो गया, हॉस्पिटलों में हो गया, एजुकेशन हो गया, हर चीज़ में उठा लो, हमें दिल्ली में अच्छी सुविधा मिल रही है। दिल्ली के अंदर पानी, बिजली वगैरह A to Z अच्छी चीज़ें मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिल्ली में, इसलिए हमारा वोट जो है ना केजरीवाल को ही। आपका क्या कहना सर, केजरीवाल के मामले में बात यह है कि केजरीवाल एक धोखे का नाम है, क्योंकि जब केजरीवाल आता है उस टाइम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मुंह काले हो चुके थे और रास्ता कोई नजर आ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर एक अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया, केजरीवाल, उसी का नाम केजरीवाल है। और ये एक धोखा है और कुछ नहीं, बहुसंख्यक समाज को धोखा देने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, अभी तक इसने कुछ नहीं करा है। क्या करा इसने, प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में बोला था कि इनको पक्का कर दिया जाएगा और बहुत सारे वादे करे, थ्री व्हीलर वालों के लिए बात करी इसने, थ्री व्हीलर वाले सारे के सारे इसने ट्रैफिक वाले लगा के बिल्कुल बेरोजगार कर रखे हैं, खड़े होने दिए नहीं दिया जाता है, जबकि ऊपर से जो है कानून तो ट्रैफिक के लिए सारा एक ही है, और कारों के लिए जो लग्जरी कारें हैं वो सारी की सारी रोड के ऊपर अपनी मनमानगी कर रही है, रोड के ऊपर उनकी खुली छूट है, कहीं भी खड़ा कर देंगे, कोई रोकने की पाबंदी नहीं है। ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है जब कानून सबके लिए एक है तो? अगर दलितों की बात करें, दलित समाज की, कौन सी पार्टी आपको लगती है कि वो उनके हक में लड़ रही है, अगर वो जीते तो दलित समाज का उद्धार हो सकता है? दलित समाज की पार्टी सिर्फ बहुजन पार्टी है। देश जब से आज़ाद हुआ है उस समय से ही देख लो आप, चाहे जब से देश आज़ाद हुआ 70 साल हो लिए, जब काशीराम जी आते हैं उससे पहले दलित का विकास करने की बात या दलित का उद्धार करने की बात किसने करी? सिर्फ काशीराम जी ने मूवमेंट चालू करी, उसके बाद काशीराम जी के बाद बहन जी मायावती ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करा, उससे पहले अम्बेडकर जी ने काम करा, हिंद के बढ़िया ब्राह्मण या राजपूत किसने काम करा? किसने कोई काम नहीं करा। हाँ, हमारे जितना भी मूल निवासी है उसको भटकाने का काम इन्हीं तीनों पार्टी ने और इनकी मिली जुली पार्टी जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या और स्टेटों में है वो सारे भटकाने का काम करते हैं। अगर दलितों की और बहुजनों की पार्टी मूल निवासी की पार्टी है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम बहन जी मायावती बहुजन पार्टी है। और साथ साथ में इधर लालू जी भी
अब उनको भी समझ में आ गया है हमें मिलकर चलना पड़ेगा। अखिलेश जी उन्हें भी समझ में आ गया है हमें मिलकर चलना पड़ेगा। ये बहुजन समाज के नेता है और एक दिन ये जब सारे इकट्ठे हो गए वो दिन इन मधु वाली पार्टी को सर्वनाश हो जाएगा, इनको रास्ता बचने का भी नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल सभी से है, क्या प्राइम मिनिस्टर गठबंधन सरकार से बनेगा या मोदी बनेंगे, आपका क्या कहना है? गठबंधन अगर कुछ होगा तो गठबंधन से होगा। बहुजन समाज पार्टी भी इकला कुछ नहीं कर सकती, जो होएगा तो गठबंधन से होगा। गठबंधन आएगा या पीएम मोदी? गठबंधन आएगा 100% गठबंधन। आपका क्या कहना है? गठबंधन या मोदी? गठबंधन ही आएगा।